काठी रोल या काठी कबाब हम सबने खूब खाए हैं। इसमें एक रोटी होती है और अंदर एक फिलिंग होती है। तो आज आपके लिए बनाए हैं टोटली डिफरेंट टाइप के काठी कबाब या काठी रोल जो बने हैं तंदूर में। इसमें भी बाहर रोटी है और अंदर फिलिंग है, और एकदम अलग रेसिपी है। आज तक तो नहीं खाई होगी। इसके लिए ले लीजिए चिकन का मिन्स या मटन का मिन्स या इवन सब्जियां भी ले सकते हैं आप। अब ये कुछ सामान है, पढ़ लीजिए, जिसमें चीज है, चॉप्ड कोरिएंडर है, ग्रीन चिलीज हैं, आप प्याज भी मिला सकते हैं, मशरूम भी मिला सकते हैं, आराम से आप जो भी करना चाहें करिए। अब इसमें डालिए भरपूर मात्रा में बटर, और ये है इलायची का पाउडर, ये डाल दीजिए। ये है वाइट पेपर पाउडर, हर चीज क्यों डालिए भी बताएंगे, और सॉल्ट डालिए, और ये डालिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, घर पे आराम से होता ही है, और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसे आपको खूब मलना और मिलाना है। देखिए, जो बटर क्या करेगा ना, एक मॉइस्टनेस देगा, जूसीपन देगा हमारे पूरे के पूरे इस कबाब को, फिलिंग को। अब इसे आपको हाथ से मलना है ताकि चीज, बटर, हर चीज इसके अंदर आराम से मिल जाए। ये पूरा ऐसा लगे कि सब एक ही हिस्सा है। हाथ को गीला करिए। अब एक सीख पे, तंदूर की सीख पे लगा लीजिए। ये देखिए, लगा दिया हमने, हाथ गीले होने चाहिए, और धीरे हाथ से ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए आपको इवनली पूरा का पूरा सीख कबाब तैयार कर लेना है। अब इस सीख कबाब को पहले हम दो स्टेज पे पकाएंगे। पहले तो तंदूर में डालेंगे, इसे हाफ डन करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक रैप लगा के, जैसे कि हमारे क्लासिकल काठी कबाब में या काठी रोल में होता है, इसको बनाएंगे। तो यही इसका टोटल डिफरेंस है। सबसे पहले डाल दिया तंदूर में, अब ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में लगभग हाफ डन पक हो जाएगा। अब ये ले लीजिए, मैदे की रोटी बनानी है, मैदा गूंद लीजिए आराम से, आप चाहे तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हेल्दी हो जाएगा। अब मैदे को पतला पतला आपको बेल लेना है, और इसकी पतली पतली लगभग 1 इंच की स्ट्रिप्स काट लेनी है, वो लपेटी जाएंगी हमारे इस कबाब के ऊपर। अब ये देखिए, पतला पतला बेल लिया गया है। अब इसके हम देखिए, जैसे हम कर रहे हैं आज, 1 इंच की स्ट्रिप्स काट लेंगे, जितनी आपको जरूरत हो उतनी स्ट्रिप्स आप काट लीजिए। देखिए, ये स्ट्रिप्स बनके तैयार हैं, कुछ इस तरह से आपको दिखेंगी। जितनी पतली काट सके उतना अच्छा है, यही इसका मूल मंत्र है, इसे जरूर करिएगा। अब ये हमारा कबाब लगभग हाफ डन है, अभी आधा कच्चा है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हमारी रोटी जो हमने बेल के रखी थी। बस ऐसा ही तो होता है हमारा काठी रोल, बाहर रोटी होती है और अंदर फिलिंग होती है। मगर ये अच्छी बात यह है, इसे तो आप लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा, यही इसकी खूबसूरती है। अगर आपको गार्लिक नान का फ्लेवर चाहिए तो ऊपर गार्लिक लगा दीजिए, आपको चीज का फ्लेवर चाहिए तो चीज लगा दीजिए। आप देखिएगा आगे रेसिपी कितनी बढ़िया है। अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ा बढ़िया रेसिपी है ये। अब इसको लपेटने के बाद जहां जहां से छूट गया, हल्का सा मैदे की रोटी को आप फैला दीजिए ताकि पूरा तरीके से ये कवर हो जाए। ये देख रहे हैं आप। अब आपको क्या करना है, हल्का सा हाथ गीला कर लेना है। गीला इसलिए करना है कि इसके ऊपर हम जो भी लगाएं वो चिपक जाए। बढ़िया से हमने गीला कर लिया, और ये मॉइस्चर भी मेंटेन रखेगा। इससे क्या होगा, हमारा रोल सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं लगेगा। अब ये लाल पीली हरी जो शिमला मिर्च होती है ना, वो हमने बारीक काट ली थी। अब इसके ऊपर पूरा तरीके से हम इसको चिपका के लगा देंगे। अब एक आप काम कर सकते हैं, आप चाहे तो गार्लिक भी लगा सकते हैं, चॉप प्याज भी लगा सकते हैं। हम आज ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और बना रहे हैं। अब हम लेंगे काला तिल, जिसको प्याज के बीज या नाजीला सीड्स भी कहते हैं। आप इसके ऊपर ये लगा दीजिए, क्योंकि ये स्वाद का कॉम्बिनेशन मैंने जब बनाया था और देखा, बड़ा ही बढ़िया लगता है। अब इसको हम दोबारा तंदूर में सेकेंगे तो होगा क्या, अब जितना कबाब अंदर कच्चा था वो पक जाएगा, बाहर जो रोटी लगाई है वो भी पक जाएगी। तो अब जो आप रोल खाएंगे, बाहर रोटी होगी यानी कि नान के आटे की, अंदर एक फिलिंग होगी, साथ में प्याज और चटनी आप ले ही लेंगे, और ये बन जाएगा कंप्लीट काठी रोल। लगाइए इसमें मक्खन ताकि बढ़िया से शाइन आ जाए। अब रोटी के ऊपर देख रहे हैं, बबल्स आने ब्राउन रंग के अभी शुरू हो चुके हैं, जैसे आपकी रोटी पकती है बिल्कुल वैसे ही। अब इसको फिनिश करने के लिए हम दोबारा डाल देंगे एक बार तंदूर के अंदर, और लगभग 30 सेकंड के अंदर अंदर आप देखेंगे ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए क्या बढ़िया फिनिश है, क्या बढ़िया शाइन है। अब इसको हमको परोसना है, क्योंकि ये बड़ा टाइटली चिपक जाता है सीख के ऊपर, इसलिए हमें इसको नाइफ से थोड़ा सा लूजन अप करना पड़ेगा। लूज करेंगे इसको, ये भी आप रेसिपी में देखेंगे। ये देखिए, नाइफ लीजिए, हल्का सा लूजन अप कर लीजिए, हल्का सा धक्का लगा के, ताकि ये सीख से आराम से निकल सके।
उसके बाद इसे आप परोस देंगे एक प्लेटर पे, साथ में प्याज दीजिएगा। देखिए वैसे मेरा नाम शेफ रवि सावंत है और ये मेरा जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम है नाइफ एंड कैमरा। अगर मेरे चैनल की आपको रेसिपीज पसंद आती हैं, कुछ यूनिक लगती हैं, कुछ हटके लगती हैं, तो ज़रूर इसको एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक घंटी का आइकन है, उसे अगर आप दबा देते हैं तो मेरी सारी रेसिपीज आप तक अविलंब पहुंच जाएंगी और आपके लिए तो फ्री है, मेरा कुछ भला हो जाएगा। फर्स्ट क्लास से काट लिया इसको, इसको आप दबा कर देखिएगा कितना जूसी लगता है, अंदर से जूसेस पूरे तरीके से ऊज हो रहे होते हैं। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। एक यूनिक रेसिपी है, मैंने भी जब इसको बनाई तो मैं भी आश्चर्य कर गया, यार क्या बढ़िया रेसिपी है, आज तक हमने कभी बनाई नहीं, ट्राई नहीं करी, कितने अलग तरीके से क्या चीज़ बनाई जा सकती है। रेसिपी को एंजॉय करिए, मज़ा उठाइए और ज़रूर बताइए अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं।